नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आत्रेयी विश्वास रॉय। आजकल चाइना का नाम सुनते ही हमारा और आपका दोनों का खून खौल उठता है। पहले तो हमें चीनी प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा पसंद हुआ करते थे, लेकिन अब जो अपना फ़ोन है वो भी अपना कम बल्कि चाइना का ज़्यादा लगने लगा है। खैर, टिकटॉक और दूसरे चाइनीज़ ऐप्स को गवर्नमेंट ने बैन तो कर दिया है, लेकिन एक बहुत ज़रूरी बात यह है कि इंडिया और चाइना के रिश्ते कभी भी अच्छे नहीं रहे। जब भी कोशिश हुई, ड्रैगन ने अपनी जात दिखा दी। नेहरू जी ने हिंदी चीनी भाई भाई बोला तो 1962 में जंग हुई। मोदी जी चीनी राष्ट्रपति के साथ झूला झूले तो सेना को डोकलाम और गलवान में जूझना पड़ा। पर भारत और चीन के बीच देश जब जुनून में होता है तो असल में जूझता है नॉर्थ ईस्ट इंडिया। बिल्कुल सही सुना आपने, उत्तर पूर्व भारत। कैसे, यही बताने के लिए आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ, ताकि आप नॉर्थ ईस्टर्न लोगों को पहचान सकें और चीन की चालबाजी जो वो नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्टर्न लोगों के खिलाफ करते हैं वो समझ सकें। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखा रही हूँ, इन्हें ध्यान से देखिए। वैसा ही चेहरा, वही नाक नक्श, वही खान पान और वही पहनावा, यही सोचता है आधा देश। और इन लोगों को चाइनीज करार करने में सेकंड्स नहीं लगते, पर ये चीनी नहीं, 100% हिंदुस्तानी हैं। विविधता वाला हमारा ये देश भारत कभी कभी ये भूल जाता है कि जब साउथ इंडिया के लोग नॉर्थ इंडिया से अलग दिख सकते हैं, तो फिर नॉर्थ ईस्ट रेस्ट ऑफ द इंडिया से अलग क्यों नहीं दिख सकता। हिस्ट्री को ठीक से पढ़ने पर पता चलता है कि साउथ ईस्ट और सेंट्रल एशिया में 12th सेंचुरी में मंगोलों का बोलबाला था। चीन, तिब्बत, म्यांमार जैसे देशों में बड़ी संख्या में मंगोल नस्ल के लोग बसे जो मंगलोइड कहलाए। इनमें से कुछ लोग 14th सेंचुरी में कामरूप प्रांत में आए और बाद में अहोम डायनेस्टी का हिस्सा बने। मंगलोइड अपने नाक नक्श और चेहरे की बनावट के लिए अलग पहचान रखते हैं, और इसी की छाप आसाम में, मेघालय में, मणिपुर में, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, इन तमाम राज्यों में देखी जाती है। इस कारण पहाड़ों पर बसे नॉर्थ ईस्ट के लोगों को बिना जाने हम विदेशी कहने से हिचकिचाते नहीं। कोरोना के वक्त भी हम चाइना के नाम पर अपने नॉर्थ ईस्ट भाइयों पर रेसिस्ट कमेंट कर देते हैं, जबकि सच है कि ऐसा कर हम भारत के संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं, जो रंग, नस्ल या धर्म के आधार पर भेदभाव पर पाबंदी लगाता है। इसीलिए ये बेहतर तरीके से हम सबके लिए सोचने की ज़रूरत है कि 220 से ज़्यादा ट्राइब वाला नॉर्थ ईस्ट इंडिया हिंदुस्तान में ही है, और यहाँ के लोग हमारी और आपके जैसे ही आम हिंदुस्तानी हैं। अब समझिए कि आप जिसे चीनी बुला रहे हैं वो चाइना से और ज्यादा प्रताड़ित है, आपसे कहीं पहले से और आपसे कहीं ज्यादा। जिस अरुणाचल को हम उगते हुए सूरज का प्रदेश कहकर उस पर इतराते हैं, उसे चीन अपना बताता है। दुनिया जानती है कि किस धोखाधड़ी से ड्रैगन ने तिब्बत को अपने कब्जे में लिया, और उसके बाद से ही अरुणाचल प्रदेश के बड़े हिस्से को वो साउथ तिब्बत बताकर उस पर अपना हक जमाता है। ब्रिटिश पीरियड में तिब्बत ने जिस अरुणाचल को ब्रिटिश भारत का अंग मानकर मैकमोहन लाइन को अपनी स्वीकृति दी थी, चीन उसे गलत मानता है। नॉर्थ ईस्ट में 8 राज्य हैं, और ये तमाम राज्य जितना भारत से जुड़ा हुआ नहीं है, उससे कहीं ज्यादा दूसरे देशों के बॉर्डर से सटा हुआ है, और इसी का फायदा 50 के दशक से ही चाइना उठा रहा है, सबसे ज्यादा अरुणाचल प्रदेश का दुश्मन बन बैठकर। 1962 की जंग और उसमें अरुणाचल में चीन की घुसपैठ किसी से छिपी हुई नहीं है। यही नहीं, इसके बाद भी आज तक चाइना अरुणाचल बॉर्डर पर तवांग के पास कभी चुप नहीं बैठा। उसकी दखलअंदाजी ऐसी है कि जब भी कोई प्रधानमंत्री या फिर बड़ा नेता अरुणाचल दौरे पर जाता है तो चीन की छाती पर मानो सांप लौट जाता है। चाइना ये उम्मीद करता है कि अरुणाचल प्रदेश में जाने से पहले चाइना की इजाज़त ली जाए। यही नहीं, अरुणाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री को चाइना ने वीज़ा देने से इसलिए इनकार कर दिया था क्योंकि अरुणाचल प्रदेश को चाइना अपना हिस्सा मानता है, तो जब अपना हिस्सा है तो फिर उसमें वीज़ा की क्या ज़रूरत। अरुणाचल के राज्य बनने और 1975 में सिक्किम के भारत में विलय पर भी चीन ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई थी।
80 के दशक में नॉर्थ ईस्ट में जो उग्रवाद और अलगाव का दौर आया, जिससे नॉर्थ ईस्ट दशकों तक जूझता रहा, देश से कटा रहा, उस उग्रवाद की फंडिंग भी चीन से होती थी। पैसा हथियार दोनों चाइना से आता था। चाइना दरअसल नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लिए सबसे बड़ी मुसीबत, सबसे बड़ा खतरा है, जिसने ऐसा जख्म दिया है जिससे पार पाना आसान नहीं। इसीलिए नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लोगों के नाक नक्श को देखकर उन्हें चीनी मत कहिए और उनके जख्मों पर भी नमक मत छिड़किए। चाइना से मिलकर लड़ने का समय है। ऐसे में अपनी जिंदगी से चीनी जरूर कम कीजिए, लेकिन अपने लोगों को चीनी मत बुलाइए। साथ ही अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। नमस्कार।